कि अगर आपने इसमें कदम रखा है, अगर आपने सोचा है कि आप सिविल सर्विस एग्जाम देना चाहते हैं और देंगे, तो आपको ये ठान के उसमें जाना है कि हाँ मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ। ये एक अपना मोटिवेशन, अपने साथ एक फेथ बिलीफ अपने ऊपर आपको हमेशा रखना है। कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते हैं। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं, उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपनी पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना। आपने अगर ठान लिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है। चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए